एक सेकेंड, आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे अटैक से बचे कैसे? असल में बताऊं तो मैं उस अटैक से बचा नहीं। मुझे कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं हूं कैप्टन उसॉक, हमेशा नेगेटिव रहने वाला। क्या सच में? तुम तो सही में कमाल के हो। मेरा अटैक आखिर उस पर काम क्यों नहीं करा? कोई भी इंसान इस अटैक से नहीं बच सकता। ये सब ठीक नहीं है। अगर मैंने उस लड़की को हरा भी दिया तो भी कोई भी फायदा नहीं है। मैं इतने सारे ज़ॉम्बीज से अकेले नहीं लड़ सकता। वो मुझे कुछ ही देर में ख़त्म कर देंगे। अब तुम्हारा बहुत हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मेरे अटैक से बच जाए। इस अटैक के बाद तुम अपनी सारी की सारी जीने की इच्छा छोड़ दोगे। ये रहा 3 गुना ज़्यादा नेगेटिव हॉलो। उसने एक बार फिर से उस शॉप पर अपने नेगेटिव हॉलो से हमला कर दिया। बढ़िया, शायद इसने अपना काम कर दिया। पर एक सेकेंड, ये सब नहीं हो सकता। वो सारे के सारे गोस्त तो खुद ही नेगेटिव हो गए और साथ ही पिरोना सांबा भी। ये आखिर है कौन? मेरी बात सुनो, जब बात नेगेटिव सोचने की हो उस टाइम तुम मेरे से नहीं जीत सकते। वो सच में कमाल है, पर लग रहा है जैसे कि वो छोटा हो रहा हो। ओ नहीं, शायद से वो मेरा प्लान समझ गए। तो फिर ठीक है, ये लो सॉल्ट स्टार। उस शॉप ने एक बार फिर से काफी सारे जॉम्बीज की शैडो निकाल दी। ओए रुक जाओ, तुम मेरे जॉम्बीज के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बकवास करना बंद करो, ये लो सॉल्ट स्टार। पर इस बार उन सब ने अपना मुंह बंद कर लिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो चीटिंग हुई। फिर यहां पर शांजी और बाकी सभी को दिखाया गया। क्या उस शॉप को अकेला छोड़ना ठीक था या फिर नहीं? उसकी चिंता मत करो, तुम ठीक हो। इसके आगे नामी सान को बचाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं उस अब्सुलाम को खत्म कर दूंगा। और फिर शांजी इतना कहकर वहां से चला गया। फिर यहां पर ब्रुक और र्यूमा को दिखाया गया, जहां पर उन दोनों की लड़ाई अभी भी चल रही थी। र्यूमा ने ब्रुक को मारकर उसे पीछे फेंक दिया। तो क्या तुम हार गए, वो भी इतनी जल्दी? वैसे अच्छा होगा कि तुम अपनी हार मान लो। तुम भी जानते हो कि तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते। आज के बाद तुम कभी भी मेरे से लड़ने की कोशिश नहीं करोगे। तुम्हारा काम अब खत्म हुआ। वैसे बताओ, आखिर मैं कौन से अटैक से हमला करूं? क्या नॉज स्लैश से? ओए एक सेकंड रुक जाओ। कुछ भी हो जाए पर तुम उस अटैक का नाम नहीं ले सकते। मेरा स्पेशल अटैक क्विक स्लैश, जिसे मेरे साथियों ने नाम दिया 3 Pace Nodge Slash। तुम्हारे अंदर भले ही मेरी शैडो हो, पर प्लीज़ उस अटैक का नाम मत लो जो मुझे मेरी अतीत की याद दिलाए। वो अटैक सिर्फ मेरा है, बस मेरा। अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, साबित करो कि ये हमला तुम्हारा है। अगर मैं गलत हुआ तो मैं हार जाऊंगा, ये लास्ट होगा। इस अटैक के बाद पता चल जाएगा कि तुम्हारा अटैक असली होगा या फिर मेरा। ब्रुक ये सब सुनकर लड़ने के लिए तैयार हो गया और फिर वो दोनों धीरे धीरे करके आगे जाने लगे। 3 Pace Nodge Slash। र्यूमा का अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज था, इस वजह से ब्रुक उसके सामने नहीं टिक पाया और नीचे गिर गया। लबून, मुझे माफ़ कर देना। सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए तो वो तुम हो। माफ़ करना कि मैं उस टाइम मर गया। 50 साल उस शिप पर बहुत ज़्यादा धीरे बीते। सोचता था कि सब मेरे साथ ही हैं, पर हालांकि असल में ऐसा नहीं था। 50 साल मैं उस शिप पर अकेला था। मैंने कोशिश करी कि ताकतवर बनकर अपनी शैडो फिर से वापस लूं, पर देखो मैं ये भी नहीं कर सका। मैं हार गया। र्यूमा ने पीछे से जाकर ब्रुक के बाल पकड़ लिए। तो फिर ठीक है, सबसे पहले इसकी बारी। वो उसके बाल काटने ही वाला था, पर तभी अचानक से पूरा का पूरा थ्रिलर बार खिलने लगा। एक सेकेंड, ये सब आखिर कर कौन रहा है? फिर यहाँ पर जोरो और फ्रेंकी को दिखाया गया, जो कि काफ़ी तेजी से आगे जा रहे थे और कुछ ही देर में वो सब उसी वाले रूम तक आ गए। जोरो, वो मुझे मिल गया। ओए स्केलेटन, क्या तुम ठीक हो? एक सेकंड, तुम यहाँ पर आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों हो? मेरी बात सुनो, ऐसा ना हो कि उसके साथ तुम भी मर जाओ। ह्यूमा ने उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया, पर जोरो ने बीच में आकर उसके अटैक को रोक दिया। तो क्या तुम वही हो, पहले की दुनिया का सबसे ज़्यादा अच्छा तलवारबाज? तुमसे मिलकर खुशी हुई। फिर यहाँ पर मौरिया और लूफी को दिखाया गया। ये जगह तो हिल रही है, पर आखिर किस लिए? वैसे इसमें गलती तुम्हारी नहीं है,
पक्का शिप किसी अजीब से करंट में फंस गई होगी। वैसे ये छोड़ो, आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों हो? तुमसे मेरी और मेरे सभी साथियों की शैडो वापस लेने के लिए। ओ, तो तुम ऐसा करोगे कैसे? और कैसे, तुम्हें मारकर। फिर यहाँ पर अब्सलोम को दिखाया गया जो कि नामी को किस करने की कोशिश कर रहा था, पर शिप के हिलने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। बस बहुत हुआ, ये शिप आखिर हिल क्यों रही है? अब्सलोम सामा, एक बुरी खबर, हमारी शिप वो सीधा जाकर एक करंट में फंस गई। ये सब आखिर करा किसने? ये सब उसी ने करा, ओर्स। बढ़िया, ये शिप तो चल रही है, ये लो और तेज चलो। अगर यही बात है तो ठीक है, सारे के सारे ज़ॉम्बीज जाओ और जाकर उस ओर्स को रोक दो। और कुछ ही देर में वो सब ओर्स के पास तक आ भी गए। ओर्स, हमारी बात सुनो, रुक जाओ, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते। पर तभी ओर्स वहां से गायब हो गया। वो आखिर गया कहां पर? ओर्स ने ऊपर से आकर उन सब पर हमला कर दिया, सब के सब ज़ॉम्बीज एक ही बार में हार गए। मेरे एडवेंचर्स के बीच में मत आओ, वरना तुम सब नहीं बचोगे। अब्सलोम सामा, वो उसने सबको हरा दिया, उनमें से कोई भी नहीं बचा। क्या सच में? अगर ऐसा चलता रहा तो थिलर बार का क्या, वो सब कुछ ही देर में खत्म कर देगा। और तभी पीछे से वहां पर शांची आ गया। नामी-सान, आपका प्रिंस आ गया आपको बचाने के लिए। फिर यहाँ पर ज़ोरो और रियुमा को दिखाया गया। ज़ोरो ने रियुमा को मारकर उसे पीछे फेंक दिया। बढ़िया, तुम तो कमाल के हो, वैसे वो है कौन? एक तीन तलवार यूज करने वाला तलवारबाज, या फिर बोलूं आगे आने वाले पायरेट्स के राजा का साथी। बढ़िया, प्लीज मेरे जैसे अच्छे और स्मार्ट दिखने वाले स्केलेटन की मदद करो, प्लीज मेरी शैडो वापस लाओ। बकवास करना बंद करो। वैसे वो तलवार अच्छी है, आखिर वो है कौन सी? तुम ठीक हो, दुनिया की सबसे ज्यादा मशहूर तलवार में से एक, सुसोई। तो फिर ठीक है, अब से ये तलवार मेरी हुई।